तो जब मेरा डाइवोर्स हुआ था 5 साल 4 साल पहले, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि तब मेरे पास कुछ भी नहीं था हाथ में, नॉट अ सिंगल मनी। तो सबसे पहले मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा था कि मुझे सबसे पहले जॉब देखना है। जॉब देखूंगी, जॉब पे लग जाऊंगी तो मेरी मंथली जो इनकम है वो स्टार्ट होगी, उसके बाद मैं आगे का सोच सकती हूँ कि मुझे क्या करना है। और बस मुझे यही था कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, कमाना है खुद से, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। एक बार जो गलती हो गई सो हो गई, अब दूसरी बार वो गलती नहीं करनी है। तो मैंने सबसे पहले डाइवोर्स के बाद जॉब स्टार्ट किया, जैसा जो भी मिला वो जॉब स्टार्ट किया कोविड के टाइम पे। और सबसे पहला मेरा जो जॉब था वो रिसेप्शनिस्ट का था। तो कोविड के टाइम पे तो वैसे ही जॉब नहीं मिल रहे थे, सबको भगा ही रहे थे, तो मेरे को तो नसीब था कि मुझे उस वक्त मिल गया था। तो वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की जॉब से, और वहाँ से सैलरी से, फिर रिसेप्शनिस्ट की सैलरी कितनी होती है तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। और फिर काफ़ी जॉब मैंने छोड़े भी, क्योंकि मुझे अपने आप को और ग्रोथ करना था। तो मैं एक जगह पे तो नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि एक जगह पे बैठने वालों में से मैं नहीं हूँ। अगर एक जगह पे बैठ रहूँगी तो वो सैलरी और वो मेरा पोजीशन, वो डेजिग्नेशन, वो एक ही रहेगा। मुझे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा अपने अंदर, और ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे अपने इनकम को बढ़ाना है, बस बढ़ाते जाना है, जितना हो सके उतना बढ़ाते जाना है। तो मैंने शुरुआत की वहाँ से, और फिर जॉब भी कभी कुछ 6-7 महीने कंटिन्यू रहा, तो कभी मुझे अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने लगी तो मैंने वहाँ से क्विट करके आगे कंटिन्यू किया, कहीं और जाके जॉब किया। फिर वहाँ से ऐसे काफ़ी मैंने जॉब छोड़ने के बाद अब मैं फाइनली एक जॉब पे आ गई हूँ, जहाँ पे मैं सेटल हो गई हूँ, जहाँ पे आके मैं रुक गई हूँ, और वो मेरे लिए एकदम कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मैंने अपने जो मेरे लाइफ का जो निकला है टाइम, उस टाइम पे मैंने काफ़ी अपने आसपास में ऐसे लोगों को देखा है, लड़कियों को देखा है, कि जब कोई डाइवोर्स किसी का हो जाता है या रिलेशंस ख़राब होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, या उनके अगर किसी के और के साथ ख़राब होते हैं, तो काफ़ी लोग है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो डिप्रेशन के चक्कर में ना खुद को कुछ कर बैठते हैं, और वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि क्यों करना है, क्यों डिप्रेशन में क्यों जाना है, अगर आपको खुद पे बिलीव है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, तो आपको डिप्रेशन, टेंशन, ये सब चीज़ों से डरना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ और आगे और नई शुरुआत करो। तो आप खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। बस आपको है ना कभी अकेलेपन से डर नहीं लगना चाहिए, और अकेलेपन खाना नहीं चाहिए आपको। अगर ये चीज़ खा गई ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सीखना चाहिए कि आप अकेले आए थे ना तो अकेले ही जाना है, कि और कोई साथ में आने नहीं वाला आपके। तो मैंने भी खुद को बहुत, मैं कभी ऐसे डिप्रेशन में गई नहीं हूँ कि मैं उस वो काइंड ऑफ पर्सन नहीं होगा मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। हाँ, थोड़ी बहुत सोच और समझ आती है, थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। ये टेंशन रहता है कि अब मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं क्या, मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब में भी, क्योंकि मुझे मेरे ध्यान में इतना ही रहता है कि मुझे अपना कुछ ना कुछ सेट करना है, घर कहीं तो रहूँ तो वो सेट हो जाए मेरा, एटलीस्ट वो एक टेंशन तो कम हो जाए ना, कि मेरे को खड़ी खड़ी भागना पड़ रहा है, एक ठिकाना नहीं है मेरा रहने का। तो क्योंकि जब आप डाइवोर्स लेके होते निकलते हो तो काफ़ी लोग बहुत कुछ लेके निकलते हैं, बट मैं सामने वाले के पास कुछ था ही नहीं देने के लिए, तो मैं क्या ही लूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं निकलूँ और मैं खुद से ही कमाऊँ और खुद से ही सब कुछ स्टार्ट करूँ फिर से। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे आसपास में अभी तक, ऐसी लड़कियाँ हैं, वुमेन हैं, जो बहुत जल्दी मायूस हो जाती है सब चीज़ों से, डाइवोर्स के बाद या रिलेशन ख़राब होते हैं उसके बाद। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि दिन या एक एक पल है ना बहुत कीमती होता है, तो ना टेंशन और डिप्रेशन में मत जाओ, खुद से कुछ करो, खुद पे बिलीव रखो, और सब भूल जाओ पिछला जो भी है, आगे जो आने वाला है उस पे ध्यान दो, और बस खुद पे बिलीव है तो सब कुछ हो सकता है।